हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सो दिस इज सागर बंसल, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स, सभी लोग बड़े लोग, कैसे हैं आप सब लोग। सभी लोग अच्छे हैं जो मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं। तो आपके लिए नई वीडियो ले आए हैं सागर बंसल सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आप लोगों को पता है 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए वीडियो चलती रहती है रिगार्डिंग मैथ, साइंस और रीजनिंग। तो रीजनिंग के बच्चे भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग की वीडियो भी इस चैनल पर डलती हैं, और मैथ्स और साइंस 9th, 10th और 11th क्लास के मैथ्स, ठीक है। तो जो बच्चे इस चैनल से सब्सक्राइब्ड हैं, अच्छी बात है। तो बाकी सभी को बताइए इस चैनल के बारे में कि सागर बंसल सर हर किसी के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग 9th, 10th, 11th, 12th क्लास, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करें अपनी NCERT सॉल्यूशन चैप्टर लाइव प्रोसेस का, राइट। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर आप NCERT सॉल्यूशंस हमें करा दीजिए। तो हम लोगों ने NCERT सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों। हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 10th क्लास के। अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। अब आपको पता है डिफ्यूज़न होता है सेल टू सेल। अगर सेल टू सेल बॉडी में डिफ्यूज़न होना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है सिर से लेकर पैर तक जाने में जो ऑक्सीजन है उसे कई महीनों नहीं कई साल लग जाएं। लेकिन हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उसे हर समय क्या चाहिए, हर सेल को हर समय ऑक्सीजन चाहिए। तो डिफ्यूज़न से हम वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। जो इसका साइंटिफिक आंसर है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बच्चों, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। अगर बच्चों आपको किसी चीज़ को देख के बता रहे हैं कि वो लिव है या अनलिव है, तो आप उसे कैसे बता सकते हो। उसके अंदर बेसिक क्राइटेरिया होता है बच्चों मूवमेंट, कि अगर उसके अंदर मूवमेंट है सामने से, अगर आपको देख के उसके अंदर नज़र आ रहा है कि वो मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलाइव है, अदरवाइज वो नॉन अलाइव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या आता है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। हम लोग बाहर से क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन, यही 2 चीज़ें जो हम लोग बाहर से इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अराइज होता है स्टूडेंट, व्हाट प्रोसेस डू यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और उस लाइफ प्रोसेस में बच्चों कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। तो जो आपके लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं बच्चों, वो आपके डेली लाइफ प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अराइज होता है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और हेटरो मतलब डिपेंड ऑन अदर्स। तो यानी जो अपनी एनर्जी खुद से गेन करते हैं अपने फूड मटेरियल से, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाए जाते हैं, ठीक है, या फिर ऑटोट्रॉप्स कहलाए जाते हैं। और जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं बच्चों, वो आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि हम लोग कहलाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल आपको प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन लीव्स में होता है, हेटरोट्रॉपिक में नो पिगमेंट होगा, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट में यानी ऑटोट्रॉप्स में, वो आपका ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, और हमें फूड चाहिए बच्चों हर समय, ठीक है। तो द ग्रीन प्लांट्स मेक दैट फूड एंड वी आर ऑल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर द बच्चों डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अराइज होता है, व्हाई डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट है उस सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी बताओ जल्दी। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सभी को बच्चों को पता है कि ये 4 चीज़ एक प्लांट को कहाँ से मिलती हैं। आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको एयर से मिलती है, और बताओ जल्दी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड आप बच्चों बताओ कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। और बोल दो यार, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है,
नेचर से मिलती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर आपका सोयल से मिलता है, सनलाइट आपकी सन से मिलती है, और बताओ क्या बचा, क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रीन लीव्स में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का क्या रोल होता है बच्चों, अगर किसी वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं, किसी वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया बच्चों अगर हमारे पेट में चले गए, ठीक है, तो उन्हें कौन ख़त्म करता है, जो एसिड आपके पेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जाते ही हैं खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया भी जाएंगे, जर्म्स भी जाएंगे, तो उन्हें कौन किल करता है बच्चों, ये एसिड किल करता है। साथ में ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है क्या, पेप्सिजोनिन, ठीक है, जो कि पेप्सिन से कन्वर्ट होता है। ये क्या करता है, ये आपका एक तरीके से प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है, किसमें मदद करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो एसिड का ये रोल होता है, या तो वो जर्म्स और बैक्टीरिया मारेगा, या फिर बच्चों क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका अराइज होता है बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चों तो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, कौन कौन से होते हैं, एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जिसका एक ही काम होता है, सबका क्या काम होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, उसे सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना, ठीक है, जिससे कि आपका जो फूड है वो आसानी से ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाए और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाए बच्चों, ट्रांसपोर्ट हो जाए। सही बच्चों, क्लियर हो गया एक क्वेश्चन, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से रिलेटेड, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन करा जाएगा डाइजेस्टिव फूड, यानी डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली बात तो सबसे पहले वो जगह होती है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। इसके अंदर क्या होता है, फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होती हैं, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिसे बोलते हैं विली, ठीक है। विली क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का, जिसकी वजह से एक लार्ज स्पेस मिल जाता है फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, तो ब्लड स्ट्रीम को वहाँ से सर्कुलेट करने के लिए, और जो आपका डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब फूड जो है वो आपका हर पार्ट ऑफ द सेल में पहुँच जाता है, ठीक है। आंसर आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव। हम लोग हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एक होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, तो हमारे पास क्या एडवांटेज है। एक तो बच्चों हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास लंग्स हैं, यानी लंग्स क्या काम करते हैं, फ्री ऑक्सीजन कवर करते हैं सराउंडिंग से, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है वो ठीक से ट्रांसपोर्ट हो पाती है बॉडी पार्ट में, तो हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती। पर आपने देखा होगा जो फिशेज वगैरह होती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हर समय मुँह चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, और डिजोल ऑक्सीजन वो लेते हैं। डिजोल ऑक्सीजन ठीक से न जाने की वजह से क्या होता है, उन्हें हर टाइम सांस लेना पड़ता है और वाटर से क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी डिजोल ऑक्सीजन से। तो ये हमारे पास एडवांटेज है ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि पायरूवेट क्या होता है, पायरूवेट पहले, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो आपका पायरूवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोलाइसिस के प्रोसेस से, ठीक है, और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है, ठीक है। पहले प्रोसेस में क्या होगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनेगी, दूसरे में आपका लैक्टिक प्लस एनर्जी बनेगी, तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा साइट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट होती है बच्चों जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। लिख लेंगे, आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सभी बच्चे, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, क्या पता है सबको, बोलो जल्दी, सभी को पता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे जाती है आपके
ठीक है, हार्ट से पंप आउट होके जो आपका ब्लड है वो आपके कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करता है, वो बॉडी है वो जो ब्लड होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो आर्टरीज के थ्रू आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, ARTERIES। आर्टरीज क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स आपके थिक होती हैं और वो आपके ब्लड को क्या कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी? हार्ट से बॉडी पार्ट में लेके जाएंगी। उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, तो सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगी। एक उसके बाद होती है वेंस। वेंस क्या काम करती हैं? थिन वेसल होती हैं, ये जो सेल की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापसी आपके बैक टू द हार्ट लेके आती है और लंग्स में ले जाके प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्शन होता है किसका? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का और कार्बन डाइऑक्साइड आउट का, ये होता है आपका कैपिलरीज पे। किस पे होता है बच्चों? कैपिलरीज पे। तो आप लोगों का जो साइंटिफिक आंसर है ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अलग अलग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर हो गया? आंसर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये भी सबको पता है कि लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एल्वेलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्वेलाइज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स का जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गैसिक और एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 What are the component of transport system in human being? कौन कौन से component होते हैं transport system के human beings में और उन सब के function लिखने हैं, ठीक है बच्चों। यानी related to heart से related question है, आप लोग बड़े आराम से लिख लेंगे। heart क्या काम करता है? oxygenated blood को क्या करेगा? throughout the body pump करेगा और वापसी deoxygenated blood लेगा various body parts से और impure blood को कहाँ छोड़ देगा? lungs पर जाके छोड़ देगा दोबारा से oxygen आने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्लड क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजिनस वेस्ट का काम, सबको ट्रांसपोर्ट करने का, इधर से उधर करने का काम मैसेंजर की तरह कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं बेटा? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेके जाते हैं बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से दोबारा से हार्ट पे लेके आते हैं पंप आउट करने के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका, वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो मैंने आपको बताया था बच्चों, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्लड का, ठीक है। हम लोग कैसे एनिमल्स हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। मैमल्स हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और फ्लोएम क्या काम करता है आपका? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है फ्रॉम ग्रीन लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, हाउ आर वाटर से मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आपको पता है सबसे पहले क्या होगा? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। जो वाटर है आपका सोयल से किस में जाएगा? रूट के हेयर्स में जाएगा। रूट हेयर से रूट में जाएगा, रूट सैप में जाएगा, ठीक है। रूट से गैस टैंक्स में। तो एक कंडक्टिंग चैनल होता है जिसका नाम है जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल आपके प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रूट से जाएगा स्टेम में, स्टेम से जाएगा लीव्स में और लीव्स में जाके वाटर आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करेगा?
मदद करेगा, ठीक है। तो यानी कि यूनिडायरेक्शनल आपका क्या होता है, वर्क होता है किसका, वाटर से मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का, और कौन कराता है, वो जाइलम सेल्स कराती हैं प्लांट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये 17 क्वेश्चन आपके पार्ट वन के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के, ये आप लोग कवर कीजिएगा आपके पार्ट नंबर वन में लाइफ प्रोसेस में क्लास टेंथ के सभी बच्चे। तो जो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं वो इन 17 क्वेश्चंस को ख़त्म कर लीजिए और 5 जनों को शेयर करना, सब्सक्राइब कराना चैनल, ताकि सभी बच्चों तक ये मेरी वीडियोस पहुंच पाएँ और सागर बंसल सर के कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। मेरा मिशन, मेरे कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए किसी भी माध्यम से, चाहे डायरेक्ट, चाहे यूट्यूब, चाहे जूम, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, किसी भी तरीके से सागर बंसल सर के कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। सबसे इजी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आए और लेके आते रहेंगे रिगार्डिंग क्लास 9, 10, 11 एंड 12। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है इन वीडियोस को, इन थ्योरीज को मेरी सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, वेट फॉर द सेकेंड पार्ट, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर। गुड लक बच्चों।